किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, बीजेपी की बनाई कमेटी की रिपोर्ट के साथ पहुंचा और प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय, सांसद रामविचार नेताम, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, सांसद संतोष पांडेय, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, लता उसेंडी, संदीप शर्मा, ऐसे तमाम नेता हैं जो मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। आशीष, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है, कौन कौन पहुंचा है इसकी फहरिस्त थोड़ी लंबी है, लेकिन क्या अपने ज्ञापन में लेकर ये पहुंच रहे हैं? देखिए, एक ही एजेंडा था कि केशकाल में कल जिस तरीके से धान खरीदी को लेकर जिस तरीके से तकनीकी खामियां बताकर खरीदी नहीं की जा रही है, उसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था और आंदोलन के बाद किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा छत्तीसगढ़ में बन चला है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल भी इसे लेकर बयान जारी किया था, साथ ही साथ बीजेपी की ओर से एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने स्थानीय स्तर पर इसकी समीक्षा की थी और अपनी रिपोर्ट तैयार की थी संगठन के स्तर पर। आज राजभवन में तमाम बीजेपी के आला नेता एक डेलीगेशन के तौर पर पहुंचे थे, राज्यपाल से उनकी मुलाकात थी और मुलाकात में इस बात का आरोप बीजेपी ने लगाया है कि किसानों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। धान खरीदी को लेकर जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी व्यवस्था नहीं की गई, किसान विरोधी यह सरकार है और चार ऐसे बिंदुओं को राज्यपाल से अवगत कराया गया है बीजेपी की ओर से, साथ ही साथ हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। साथ ही साथ एक रणनीति बीजेपी ने ये बनाई है कि बीजेपी पूरे प्रदेश भर में इस लाठीचार्ज का विरोध प्रदर्शित करेगी, सभी जिला मुख्यालयों में 22 फरवरी को बीजेपी का ये धरना और आंदोलन का कार्यक्रम बीजेपी की ओर से किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि चूंकि 24 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में किसानों का ये जो मुद्दा आज सड़कों पर नजर आ रहा है ये सदन के भीतर भी देखने की। लेकिन राज्यपाल ने क्या कहा है अभी तक, ये सामने आ रहा है क्या? देखिए, राज्यपाल से मुलाकात के बाद विस्तृत ब्यौरा नहीं मिला, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल ने तत्काल खाद्य विभाग के सचिव से इस संबंध में बातचीत की है, टेलीफोनिक ये बातचीत हुई है और बातचीत में तफ्तीश से जानकारी दिए जाने की बात राज्यपाल की ओर से कही गई है। हालांकि इस मसले पर राज्यपाल का हस्तक्षेप कितना होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। अगली खबर